शर्मा है। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं लीफ आर्ट और इसी तरह से अलग अलग प्लांट की अलग अलग लीव्स को यूज़ करते हुए हम किस तरह से अलग अलग ड्राइंग्स बना सकते हैं, उनको अलग अलग शेप दे सकते हैं। तो इस तरह से हम लीफ का यूज़ देखेंगे और लीफ आर्ट सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं लीफ आर्ट और आप देख रहे हैं कि मैंने कितने तरीके की लीव्स अरेंज की हुई हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारे हमारे गार्डन से लीव्स यहाँ पे कलेक्ट किए हैं। कुछ ड्राई हैं, कुछ वेट हैं, कुछ बिल्कुल फ्रेश हैं। तो इस तरह से मैंने बहुत सारी लीव्स यहाँ पे अरेंज की हुई हैं और अलग अलग कलर्स की भी हैं, जो बहुत ड्राई हो जाती हैं, येलो हो जाती हैं या इस तरह से भी हैं। तो मैंने बहुत सारे कलर्स की अलग अलग लीव्स अरेंज किए हैं और इनके थ्रू आज हम लीफ आर्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं सबसे पहले आपको कुछ सैम्पल्स दिखाती हूँ जो मैंने बनाए हैं और उसके बाद हम फिर आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, यहाँ मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखा रही हूँ इस तरीके से, जहाँ पे मैंने लीव्स को एज अ बलून यूज़ किया है। यहाँ पे एक छोटा सा बलून सेलर बनाया है और यहाँ पे हर कलर की अलग अलग शेप्स की लीव्स पेस्ट की हैं और उनके थ्रू यहाँ पे इनको एज अ बलून सेलर एक पिक में कन्वर्ट किया है। ओके, एक और सैंपल है, यहाँ पे मैंने एक ह्यूमन बॉडी में इस लीव्स को हेयर्स के रूप में उसको यूज़ किया है। तो जैसे मेरे पास येलो कलर की लीव थी तो हम और भी कलर की लीव्स यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग वाली लीव भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से मैंने इनको यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने एक लीव को एज अ अम्ब्रेला यूज़ किया है, जैसे कि एक बच्चे ने उसको रेन से बचने के लिए एज अ अम्ब्रेला होल्ड किया हो, इस तरीके से यूज़ किया है मैंने। और यहाँ पे मैंने इसको ह्यूमन बॉडी का लुक देते हुए उसी पर मैंने फेस बनाया, हैंड और लेग्स बना के इसको एक कंप्लीट पिक बनाए। इस तरह से भी मेरे पास एक प्लांट था जिसकी लीव्स इस शेप में थी, तो मैंने उसको बटरफ्लाई के विंग्स का के लिए यूज़ किया है और उसको एक बटरफ्लाई बनाई है। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी मैंने इसको एक ह्यूमन बॉडी के लिए ही यूज़ किया है और लीफ को मैंने बॉडी यूज़ किया, उसके ऊपर फेस के लिए भी मैंने स्मॉल लीफ यूज़ किया यहाँ पे और उसके हैंड्स और लेग्स बनाए। ये मैंने यहाँ पे एक फेरी बनाई है, इसके विंग्स के लिए मैंने लीव्स यूज़ किए हैं, उसकी ड्रेस वगैरह मैंने ड्रॉ किया है पूरा और उसके जो विंग्स थे वो मैंने लीव्स के थ्रू बनाए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने लीफ को बर्ड का रूप देते हुए एज अ बर्ड उसको बनाया और एक के बाद एक स्मॉल साइज़ के लीव्स को यूज़ करके उनको बर्ड में कन्वर्ट किया। दिस इज़ ऑल्सो अ बर्ड, यहाँ पे मैंने भी इसको भी बर्ड बनाया है एंड दिस वन इज़ माउस, माउस का लुक दे रहा है। मैंने हाफ लीफ यूज़ किया यहाँ पे और इसको एक माउस के लिए यूज़ किया है। तो इस तरीके से हम अब आपको और भी सैंपल्स दिखाऊंगी बना के आपको कि किस तरह से हम इन लीव्स को यूज़ करके और पिक्चर्स कन्वर्ट कर सकते हैं इनको। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक शीट ली है और इस पर मैं ये वाली लीव्स यूज़ कर रही हूँ और इसके थ्रू हम एक फ्लावर बनाएंगे लीव से। तो मैं यहाँ सेंटर में एक रोज़ की लीव यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ और इसी के साथ मैं यहाँ पर ये वाली स्मॉल लीव्स यूज़ करूँगी। तो इस तरह से मैं यहाँ से स्मॉल लीव्स रिमूव कर रही हूँ और इसको सर्कल में पेस्ट करते हुए एक फ्लावर की लुक देंगे। आप देखिए, इस तरीके से हम इसको ओवरलैप भी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पेस्ट करते हुए इसको थोड़ा सा ओवरलैप कर रही हूँ। ओके, इस तरीके से लीफ को पेस्ट करके और फ्लावर बनाना, इट्स अ न्यू थॉट ना। आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, सभी के आसपास बहुत तरह की लीव्स होती हैं, आप उनको कलेक्ट कीजिए, ड्राई कीजिए, चाहे फ्रेश यूज़ कीजिए, आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप इनको बनाने के बाद कहीं पे भी प्रेस करके रख देंगे तो आपको ये एज इट इज़ मिलेंगी, बस ड्राई हो जाएंगी बट पेस्टेड रहेंगी। तो अगर आप चाहें कि ड्राई करके इसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो ड्राई करके भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से मैं इसको पूरा एक फ्लावर बनाऊंगी, डबल लेयर में बनाएंगे। अब एक और लेयर बनाऊंगी अभी मैं इसके,
इस तरह से मैंने ये फर्स्ट लेयर कंप्लीट कर लिया और अब मैं यहाँ पे एक और सेकंड लेयर इसमें स्टार्ट करूँगी मिड में। इस तरीके से यूज़ करते हुए इसको हाफ को ओवरलैप कर देंगे थोड़ा थोड़ा सा। टू लीव्स के बीच में एक और लीफ हम पेस्ट कर रहे हैं। आप चाहे तो इसको और भी बड़ा बना सकते हो, इसको और लेयर्स एक्स्ट्रा बना सकते हो इसमें। मैंने फ्लावर कंप्लीट कर दिया है और मैं इसी की एक जो स्टिक है उसको यहाँ पे फ्लावर के स्टिक के लिए यूज़ करूँगी। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर रही हूँ और यहाँ पे आप चाहें तो कोई और लीफ भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी लीफ एक यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने इसको ग्लू लगा लिया और मैं इसको ऊपर से पेस्ट करके यहाँ पे अटैच कर रही हूँ। तो इस तरीके से ये एक फ्लावर बन गया। ओके, चलिए एक और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक और शीट ली है। यहाँ पर मैं ये वाली लीफ यूज़ करूँगी और इससे आपको बना के दिखाऊंगी किस तरह से हम इससे कोई भी फिगर बना सकते हैं, इसको ह्यूमन बॉडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने इसको पेस्ट कर दिया। बस यहाँ से इसे स्टिक कट कर दिया मैंने इसके और इसको पेस्ट कर दिया। और अब हम इसका फेस बनाएंगे। आप चाहें तो पहले पेंसिल से बना सकते हैं और उसके बाद भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट बना रही हूँ, यहाँ पे इसके लेग्स आ जाएंगे। और यहाँ पे मैं इसके हैंड्स बना रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये मैंने इसके हैंड्स बना दिए। और यहाँ पे अगर हम इसका फेस बनाएंगे तो आप कार्टून लुक में भी बना सकते हैं, हेयर्स वाले भी बना सकते हैं। इस तरह से हम इसके ये हेयर्स बना दिया हमने इसके और ये फेस कर दिया। यहाँ पे हम इसकी आईज और ये, यहाँ पे आप चाहें तो ब्राउन कलर फिल कर सकते हैं। आप देखिए जैसे मैं यहाँ पर फिल कर देती हूँ, मैं यहाँ पे इसकी जो ट्राउज़र है उसमें हल्का हल्का रेड कलर फिल कर रही हूँ, लाइट लाइट। बहुत लाइट लाइट मैंने फिल किया है ये वाला। और इस तरीके से अगर आप चाहें इसकी टी शर्ट में कोई और कलर यूज़ कर सकते हैं। मैं ऑरेंज है यहाँ पे, ऑरेंज हल्का सा यूज़ कर रही हूँ। और इस तरह से मैंने इसकी ड्रेस में ये यूज़ कर दिया। हेयर्स ब्राउन कर दीजिए, ब्लैक कर दीजिए, जो आपकी विश है वो उसको कंप्लीट फिल कर दीजिए। यहाँ पे मैंने इसको ब्राउन हेयर्स फिल कर दिए, मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। इसके शूज़ भी ब्राउन कर दिए हैं, हेयर्स भी ब्राउन कर दिए हैं। और इसी तरीके से अब हम सीखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी लीफ से इस तरह के माउस बना सकते हैं। तो मैं इसी में आपको एक और छोटा माउस बना के दिखाती हूँ साथ में। तो आप कोई भी थोड़ी सी लॉन्ग साइज़ की लीफ ले लेंगे, मेरे पास यही वाली लीफ है इस तरीके से। तो मैं इसको यहाँ पे हाफ कट कर रही हूँ। ओके, ये मैंने इसको हाफ कट कर लिया है और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। और ये इसको हम यूज़ कर सकते हैं माउस का ये टेल के लिए। और यहाँ से हम इसका फेस बनाएंगे। तो फेस के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे मार्कर से कर सकती हूँ।
और जो इसकी मुस्टैच है, जो इसके हेयर्स हैं, उसके लिए मैं यही छोटे छोटे स्टिक्स यूज़ करूँगी, जो लीफ के आगे के पोर्शन होते हैं उन्हीं को यूज़ करते हुए मैं इसमें पेस्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैं इसी वाली इसको लीफ को यूज़ कर रही हूँ कट करके, और यहाँ पे मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में इसको कट कर लिया है और इसको पेस्ट कर रही हूँ मैं यहाँ पे। इसको आप क्रॉस में पेस्ट करेंगे तो पहले एक पूरी पेस्ट कर दीजिए और दूसरी को जब हमें पेस्ट करना है तो उसको हम 2 पीसेज में पेस्ट करेंगे। हाफ मैंने इस साइड लगा दिया और हाफ दूसरी साइड लगाएंगे हम इसके। ये हमने यहाँ पे इसकी पेस्ट कर दिया। अगर ये किसी डार्क कलर में मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। अलग अलग शेड्स में होती हैं, अलग लीफ की अलग शेड्स में स्टेम्स होती हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। और अब मैं यहाँ पे इसकी आईज़ बनाऊंगी मार्कर की हेल्प लेके। यहाँ पे इस पर हम आईज़ बना रहे हैं और इसके लेग्स बना रहे हैं इस तरीके से। तो हमारा माउस रेडी है, ओके। और ऐसे ही अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने बर्ड कैसे बनाई थी। तो जिस तरह से ये बर्ड है मेरी, यहाँ पे मैं आपको एक छोटी बर्ड बना के दिखाती हूँ। कोई भी लीफ ले सकते हो, यहाँ पे मैं ये वाली लीफ यूज़ कर रही हूँ और इसको हम पेस्ट करेंगे। मैं इसका ऊपर वाला पोर्शन इसके फेस के लिए ले रही हूँ यहाँ पे, और ये वाली इसकी लेग्स, और यहाँ पे इसकी आईज, और ये इसकी बीक। इसको मैंने थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया है। और अगर आप चाहें तो इसमें जो वाइट पोर्शन आपको देना है वो वाइटनर का यूज़ कर सकते हैं आप इसमें, या वाइट पेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये वाइटनर लगा रही हूँ हल्का सा, इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं, ओके। चलिए और नेक्स्ट देखते हैं हम। एक और शीट ले रही हूँ मैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे लॉन्ग लीव्स का यूज़ बता रही हूँ। इस तरह से मैंने लॉन्ग वाली लीव्स ली हैं तो उसको मैं यहाँ पे सेंटर में पेस्ट कर रही हूँ, और इन दो सेम साइज़ की लीव्स को मैं यहाँ पे एज अ विंग्स यूज़ करूँगी। यहाँ पे यहाँ मैं इसको दोनों साइड कर्व को अंदर की तरफ लेते हुए इनको पेस्ट कर रही हूँ इस तरीके से, ओके। और दूसरी तरफ भी ऐसे ही कर देते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों को यहाँ पेस्ट कर दिया है। और अब इसका फेस बनाने के लिए मैं एक राउंड शेप की लीफ लूँगी यहाँ पे, इसको यहाँ पेस्ट कर रही हूँ। और ये कौन सा हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, आप थोड़ा सा देखिए, ट्राई कीजिए। ये एक ब्लैक एंड वाइट बर्ड है, बताइए। यह दिस इज़ पेंगुइन, जस्ट लाइक अ पेंगुइन, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और अब हम इसकी आईज बना देंगे यहाँ पे, इस तरह से ये बन गया हमारा पेंगुइन। तो आप इस तरीके से कोई भी बर्ड, एनिमल, बटरफ्लाईज, बटरफ्लाई भी मैं आपको शो कर सकती हूँ। जैसे मेरे पास ये वाला एक प्लांट के लीव्स हैं तो इसको मैं एज अ बटरफ्लाई के विंग्स यूज़ करूँगी और आपको बटरफ्लाई शो करती हूँ। बटरफ्लाई के लिए यहाँ पे मैं इस तरह के ये प्लांट की लीव्स यूज़ कर रही हूँ और इससे मैं यहाँ पे इसको विंग्स की तरह अरेंज करूँगी इस तरह से। अगर ये आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो आप इसको एक लेयर निकाल दीजिए और इस तरह से एडजस्ट कर दीजिए, जहाँ आपको लगे ऊपर वाले विंग्स थोड़े से इक्वल रखिए और नीचे वाले विंग्स नीचे की तरफ, ओके, इस तरीके से। और मैं इनको पेस्ट कर रही हूँ और सेंटर बॉडी के लिए मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा डिफरेंट शेड यूज़ कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा अलग से हाईलाइट हो जाए। यहाँ मैंने इनको पेस्ट कर लिया है ग्लू की हेल्प से। और अब आप चाहें तो जिस तरह से इस पर आप वाइटनर से वाइट कलर के इफ़ेक्ट देके भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर
ब्लैक से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्लैक आइज और ब्लैक सर्कल्स कुछ इस पे दे रही हूँ ताकि ये और हाईलाइट हो जाए। जो लीव्स नीचे गिर जाती हैं, ड्राई लीव्स होती हैं या कुछ अपने आप झड़ जाती हैं, तो आप उनका यूज़ कर सकते हो। इनमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम किसी प्लांट को ब्रेक कर रहे हैं या हम उसमें से लीव को तोड़ रहे हैं। जो ड्राई लीव्स होती हैं आप उसको यूज़ कीजिए और उसके थ्रू ही अपनी पेंटिंग्स, अपनी ड्राइंग्स अपनी कंप्लीट कीजिए। ओके, अब मैं इनके आइज़ के बीच में हल्का सा वाइटनर लगा रही हूँ जिससे ये थोड़ी सी और हाईलाइट हो जाएंगे। ओके, इस तरह से आप बटरफ्लाई बना सकते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी लीफ के ऊपर पेंटिंग इस तरीके से। आप लीफ के ऊपर कोई भी पेंटिंग कर सकते हो, जिस तरह से आपको मैंने मंडाला आर्ट, जेंटेंगल आर्ट ये सारी चीज़ें सिखाई हैं, तो आप उनका यूज़ यहाँ पे भी कर सकते हो। ओके, इस तरीके से आप पॉइंटेड ब्रश से पतली ब्रश को यूज़ करते हुए आप इनके ऊपर कुछ भी बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको शो करती हूँ एक लीफ पर, कोई भी बड़े साइज़ के आप लीफ ले लो या पीपल लीफ ले लो। इस तरह से मैंने एक स्मॉल लीफ लिया आप कुछ सैंपल शो करने के लिए, और इस पर मैं यहाँ पे पतली ब्रश से आपको इस तरह से डिज़ाइंस दिखा रही हूँ। आप कोई भी आर्ट, कोई भी डिज़ाइन, यहाँ पे कोई भी पैटर्न्स, मैंने जिस तरह से मधुबनी के पैटर्न्स भी आपने देखे हैं, आप कोई भी पैटर्न्स इस पर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से पॉइंटेड ब्रश होनी चाहिए तभी आपकी यूज़ कर होगी इस पर। इस तरीके से आप उस पर कुछ भी बना सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ डॉट डॉट दीजिए, मंडाला वर्क कीजिए इस तरीके से, चाहे आप हाफ लीफ पे वर्क कीजिए और हाफ को ऐसे ही छोड़ दीजिए, वो भी एक डिज़ाइन हो जाएगा आपका। इस तरह से मैंने आपको ये हाफ पे ड्रॉ करके दिखाया है। इस तरह से आप कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आप बड़ी लीव्स भी ले सकते हैं, इस तरह से अपना पेंटिंग वर्क इस पर भी कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम आपको शो करेंगे लीफ का यूज़ टू मेक अ गणेशा। ओके, तो अब मैं पीपल की लीफ यूज़ करके आपको गणेशा बनाना दिखाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। गणेशा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ पीपल ट्री की लीफ ली है और कुछ पेयर्स बना लिए सेम साइज़ के। जिस तरह से मैंने फेस का एक जो लीफ लिया है स्टमक के लिए, उससे थोड़ा बड़ा साइज़ लिया है, और जो लेग्स के लिए हैं टू सेम साइज़ का एक पेयर बना लिया है। यहाँ पे जो हमें लगाना है उसका मैंने एक पेयर बना लिया है पहले ही जो सेम साइज़ है, और इसके स्टमक से थोड़ा सा स्मॉल साइज़ है। और इसी तरह से मुझे हैंड्स के लिए भी चाहिए और ईयर्स के लिए चाहिए, तो यहाँ पे मैंने ये टू साइज़ लिए हैं जो मैं इसके ईयर्स के लिए यहाँ पर यूज़ करूँगी इस तरह से। तो सबसे पहले हम स्टमक पेस्ट करेंगे यहाँ पर। अच्छे से आप ग्लू लगा लीजिए और यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर रही हूँ। ये बिल्कुल स्ट्रेट पेस्ट करेंगे हम इसको, बिल्कुल सीधा यहाँ हमने इसको पेस्ट कर लिया। ओके, नेक्स्ट अब हम इसका फेस लगाएंगे। इसको हल्का सा टिल्ट करके लगाएंगे, थोड़ा सा टेढ़ा करके फेस इसका, और इस तरह से मैंने यहाँ इसका फेस लगाया है। और अब हम यूज़ करेंगे पहले इसके ईयर्स, ताकि जो इसको हमें उठाना ना पड़े, हम इसके नीचे से इसको पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं अब इसके ईयर्स लगा रही हूँ। ये भी हमारा सेम लीफ आर्ट में ही आ रहा है, हम लीफ को कलेक्ट करके और उसी से हम एक पिक क्रिएट कर रहे हैं गणेशा जी की। ओके, यहाँ पे भी मैं दूसरे पे भी ग्लू लगा लेती हूँ। और इसको भी मैं यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे पेस्ट कर देती हूँ। ये थोड़ा से इनके फेस के अकॉर्डिंग मैंने सेट कर दिया। और पहले इनको पेस्टिंग करने के बाद आप इसको किसी में फाइल को बंद करके ड्राई होने के लिए रख दीजिएगा इस तरीके से। अब हम इसके लेग्स बनाएंगे। लेग्स के लिए मैंने यहाँ पे टू लीफ ली हैं और टू हमें चाहिए हैंड्स के लिए, तो हैंड्स के लिए भी मैं यहाँ पे ले लेती हूँ।
यहाँ पे मैं ये वाली इनके पहले लेग्स के लिए यूज़ कर रही हूँ। हमें इनके यहाँ नीचे से इसको पेस्ट करना है और मैं ग्लू लगाती हूँ पहले। और इनको यहाँ पेस्ट कर दिया है और ऐसे ही मैं दूसरी लीफ भी अच्छे से पेस्ट कर दूँगी। और अब मैं यहाँ पे इसके हैंड्स के लिए भी टू लीव्स लिए मैंने सेम साइज़, और यहाँ पे मैं इनको हैंड के लिए अरेंज कर रही हूँ बिल्कुल प्रॉपर। ये हमारे हैंड्स हो गए। अगर आप चाहें तो इस पर मोदक के लिए आप अगर रखना चाहें तो स्मॉल लीफ रख सकते हैं, अदरवाइज़ ये ऐसे ही कंप्लीट है। आप इसको प्रेस करके और ड्राई होने के लिए रख देंगे और उसके बाद आप चाहें तो इस पर अपना वर्क कर दीजिए। या तो आप परमानेंट मार्कर यूज़ कर लीजिए या फिर एक्रेलिक कलर्स यूज़ कर लीजिए। यहाँ पे मैं एक्रेलिक कलर से यूज़ कर रही हूँ। आईज तो मैं मार्कर से बना दूँगी और सबसे पहले मैं यहाँ पे आईज बना रही हूँ परमानेंट मार्कर से। तो इस तरह से हम बिग आईज बनाएंगे बिल्कुल। बिग आईज बना रहे हैं हम यहाँ पे और राउंड इसको दे रहे हैं। ओके, इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक और आई बना रही हूँ और ये मैंने मार्कर से कर दिया है। आप चाहे तो एक्रेलिक कलर से ही और ब्रश से भी बना सकते हैं। और अब जो हम तिलक बनाएंगे वो मैं यहाँ पे ब्रश यूज़ कर रही हूँ, रेड कलर का तिलक बनाएंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पे एक्रेलिक कलर इस पर थोड़ा सा इजीली चलेगा, वाटर कलर नहीं यूज़ हो पाएगा। या तो हम परमानेंट मार्कर यूज़ करें या फिर एक्रेलिक कलर। ओके, और ये हमारा हो गया तिलक। अब हम यूज़ करेंगे वाइट कलर। वाइट कलर से हम बनाएंगे कुछ डेकोरेशन करेंगे हल्का सा। सबसे पहले तो हम इनके आईज में आई बॉल्स दिखाएंगे हल्का सा, ताकि थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए। और इसके बाद हम इनकी जो ट्रंक के ऊपर इनकी नोज़ के ऊपर मार्क होते हैं वो दिखाएंगे। इस तरीके से हम इनको कंप्लीट करेंगे। अगर अभी भी आपको थोड़ा सा ये हाईलाइट नहीं हो रहे तो यहाँ पे हम एक लाइन हल्की सी इस कलर से दे देंगे, ताकि ये थोड़े से हाईलाइट हो जाए। ओके, इसी तरीके से मैं ब्लैक के ऊपर हल्की सी वाइट दे रही हूँ। ये हो गया हमारा गणेशा, गणपति पप्पा। अगर आप चाहें तो और भी डेकोरेशन कर सकते हैं। यहाँ ईयर्स पे फ्लावर बना सकते हैं, इस तरीके से ईयरबड का भी यूज़ कर सकते हैं फ्लावर बनाने के लिए। और इस तरीके से ओके, और यहाँ पे हम जनेऊ जो गणेशा वेयर करते हैं राइट शोल्डर से हम लेंगे उनके जनेऊ इस तरीके से। और जो यहाँ लूंग उनकी जो धोती होती है उसके इफ़ेक्ट देने के लिए यहाँ पे मैं यहाँ पे ये लाइंस लगा रही हूँ। ओके, तो इस तरीके से हम अपने गणेशा कंप्लीट करते हैं। और आप भी अपनी लीव्स कलेक्ट करके और उनसे अपनी क्रिएशन दिखाइए मुझे, क्रिएटिविटी अपनी कंप्लीट करके मुझे भी शेयर कीजिए। मैंने आपको आज 3 टाइप्स से लीफ का यूज़ दिखाया है, गणेशा कैसे बनाते हैं, लीफ पे हम पेंटिंग कैसे कर सकते हैं और लीफ से हम किस तरह से अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। ओके, तो आप भी ट्राई कीजिए और मुझे भी बताइएगा आपको ये कैसा लगा, और अपनी पिक्स बना के मुझसे शेयर भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू।